नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। सीसीटीवी कैमरे में सिपाही चोरी करते हुए कैद हो गया है। ये पूरा मामला बिजनौर से सामने आया, जहां रात के अंधेरे में वर्दी में फल की दुकान से चुराए थे फल। सेब की पेटी चुराते हुए तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। कहावत है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस के एक सिपाही के कारनामे। जनपद बिजनौर के नठौर थाने में तैनात सिपाही दिनेश कुमार चहल का आज एक सेब की पेटी को चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आरोपी सिपाही की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले की जानकारी जब जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह को मिली तो एसपी साहब ने तत्काल प्रभाव से आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया और आरोपी सिपाही के खिलाफ जांच सीओ धामपुर को सौंप दी है। दिनेश कुमार चहल नाम के एक आरक्षी जो रात्रि में लगभग 3:30 बजे जिसकी ड्यूटी थी सब्जी मंडी जो कस्बे में ही है, एक पेटी सेब उठाते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। जांच पड़ताल किया गया, घटना सही पाई गई, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। क्षेत्राधिकारी को जांच सौंपी गई है। कोरोना के चलते श्री कृष्ण जन्मभूमि बंद कर दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मंदिर के सचिव द्वारा बताया गया है कि आम भक्तों के लिए 9 मई तक के लिए ये बंद रहेगा और मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्रवेश पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। कोरोना के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि 9 मई तक कोई भी भक्त मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालांकि जो मंदिर में पुजारी हैं वो ही सिर्फ पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही भक्तों से अपील की जा रही है कि घरों में रहकर ही भगवान की उपासना करें। देश में फैले कोरोना ने जहां लोगों को त्राहिमाम करने पर मजबूर कर दिया है, वहीं इस कोरोना का कहर अब भगवान के घरों में भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने भगवान और भक्त के बीच की भी दूरियां लगातार बढ़ा दी हैं। इसी के चलते अब मथुरा में भगवान द्वारकाधीश का मंदिर, जहां पहले ही 25 तारीख तक के लिए आम भक्तों के दर्शन हेतु बंद किया जा चुका है, तो आज से श्री कृष्ण के जन्म स्थान को भी पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है, जो कि अगले 9 मई तक आम भक्त अब मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे और मंदिर में सिर्फ रोजाना के पाठ पूजा हेतु मंदिर के अंदर ही सेवायात कर सकेंगे। मगर जो हजारों भक्तों की लंबी लंबी लाइनें भगवान के घरों के बाहर लगी रहती थी, वो फिर से एक बार देखने को फिलहाल नजर नहीं आने वाली, क्योंकि अब भगवान के घरों में भी कोरोना ने पैर पसार लिए हैं और इसी वजह से मंदिर के प्रबंधन कमेटी ने उचित समझा कि अब मंदिर को 9 मई तक बंद कर दिया जाए और जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो अपने अपने घरों में रहकर सुरक्षित परिवार के साथ भगवान की पूजा अर्चना करें। कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्रद्धालुओं का प्रवेश आगामी 9 मई तक नहीं होगा। सभी श्रद्धालु अपने घर में ही भगवान का स्मरण चिंतन मनन करें, स्वयं को स्वस्थ रहें, अपने आसपास भी इस महामारी से निपटने के लिए जागरूकता पैदा करें। बरेली थाना कैंट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कैंट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कांदरपुर से वरी नंगला के रास्ते एक मकान में डोडा पिसाई और डोडा बेचने का कार्य किया जा रहा है। सूचना को सही मानते हुए सीओ सिटी फर्स्ट और कैंट एसएचओ के द्वारा एक टीम बनाई गई और मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 7 प्लास्टिक के कट्टों में 1 क्विंटल से ज्यादा डोडा पाउडर और 6 कट्टों में 45 किलो डोडा और 160 ग्राम अफीम और एक मशीन बरामद की है। फिलहाल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 612 हो गई है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो चुका है, जो कि 95 हो चुकी है। कोरोना एक बार फिर से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। पीलीभीत का एक पूरा मामला है, जहां पर 441 संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और जनपद में तीसरे चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होना है, लेकिन जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके बाद प्रशासन के लिए पंचायत चुनाव एक बड़ी चेतावनी बनकर और चुनौती बनकर सामने आ रहा है। औरैया के भाजपा विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना संक्रमण से मेरठ में मौत हो गई। रिश्तेदार से मिलने गए थे मेरठ और वहीं पर उनका निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कोरोना संक्रमित होने पर 3 दिन पहले ही उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। यूपी की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।